हेलो दोस्तों, आज हम आपको सलवार सिलनी सिखा रहे हैं। सलवार कैसे सिली जाती है, और ये हमारा सिलाई सलवार का कपड़ा है और हम इसको सिल रहे हैं। दोस्तों, मेरा चैनल आरपी का चैनल है, और आप उसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए। और दोस्तों, आप सारी वीडियो डिजाइन और सलवार कटिंग और सलवार सिलना सभी कुछ सीख सकते हो मेरा देवी के चैनल पर। ये आप ही का ही चैनल है, आप फुल 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 वीडियो देख सकते हो। और आज हम आपको आज सिखाएंगे सलवार कैसे बनाई जाती है, यानी कि कैसे सिली जाती है। ये हमारी बेल्ट है और इसको हम बेल्ट को सिल रहे हैं, देख सकते हो दोस्तों आप। हमने यहाँ सिला इस तरह से, और हम इसको यहाँ कुछ दूर को सिलाई लगाएंगे यहाँ। इस धागे को हम ऐसे कट इन कर देंगे। तो हम इसको इस तरह से जहाँ कमरबंद डालते हैं ना, उसके लिए बना रहा है, लेकिन फिलहाल हम यहाँ सिलाई लगाई हमने, इसको इधर से सिल देंगे। इस तरह से हम सलवार का जो बेल्ट बनती है, उस बेल्ट का जो वो बनता है कमरबंद डालने के लिए, उसको फोल्ड कर रहे हैं हम। इस तरह से ये हमारी बेल्ट कुछ इस तरह से बन गई। ये हमारी बेल्ट इस तरह से बन गई, आप देख रहे हो। यहाँ वो हम कमरबंद डालते हैं यहाँ को। अब हम कली जोड़ेंगे, जो सलवार होती है उसकी कली। ये हमारे पार्ट हैं दोनों, ये दो हैं और हमारे पार्ट हैं, एक ये है और एक ये है। अब हम पार्ट में कली ज्वाइंट करेंगे। अब हम कली जोड़ेंगे, कली जोड़ के दिखाएंगे हम आपको।
एक कली तो हमने कुछ इस तरह से रख दी, आप देख सकते हो ये हमारा पार्ट है, ये कली आपको दिख रही है यहाँ से कटी हुई, और इसको हम इस तरह से इस पार्ट में जो हमारी कली थी वो ऊपर थी, और इस पार्ट में हमारी कली, इस वाले पार्ट में हमारी कली नीचे रहेगी, तो ये दोनों एक ही साइड ही आ जाएंगी। जब भी आप सिले तो कुछ इस तरह से ही सिले तो सही बैठेंगे आपकी कली। अब हम इनको कली को इस तरह से कट इन कर लेंगे, और देखो आप देख सकते हो ये कली हमारी एक इधर आ गई और एक ये बीच में सिला एक इधर आ गई है ना, छोटी कली हमारी इधर आ गई और बड़ी जो हमने इसी में छोड़ रखा है। अब देखो बैठ गई दोनों कली हमारी एक साथ, आप देख सकते हो कली के ऊपर हमारी कली आ गई। इस तरह से हमारी कली के ऊपर दूसरी सिलाई के ऊपर हमारी दूसरी सिलाई आ गई, एक सिलाई ये रही और एक सिलाई ये रही, दोनों सिलाई आमने सामने होनी चाहिए तभी ही सही बैठेगी। अब हम इसको कली को हम सिलाई कर रहे हैं इस तरह से, इसको ऐसा कर लीजिए ताकि हमारे धागे ना निकले। इधर के साइड से भी हम कुछ ऐसी ही सिलेंगे जैसे कि हमने वो सिली है, जैसे ताकि हमारे धागे ना निकले इधर से भी हम ऐसे ही होल्ड करेंगे। यहाँ से हमने इस तरह से कट कर ली, यह हमारी कली हुई कंप्लीट। अब हम घूम भरेंगे, जो प्लेटें होती है ना बेल्ट में प्लेटें रखी जाती हैं, वे प्लेटें हम इसमें भरेंगे कुछ इस तरह से। पहले हम बेल्ट में कट लगा लेंगे छोटे छोटे, एक कट तो वो जो हमारा फ्रंट में रहेगा उसमें हम पीछे की साइड दो घूम डालते हैं, यहाँ आएंगे वे कट डाल दिया हमने। अब ये हमारा सामने है और ये हमारा पीछे आएगा, तो हमने इसमें कट डाल दिया ठीक।
अब हम इन दोनों को इस तरह से कुछ इस तरह से लेंगे और यहाँ बीच में कट लगा देंगे ताकि हमारे घूम इससे आगे ना जाए। बस इस जहाँ पे हमने कट लगाया यहाँ पे ही प्लेटें डाल दें हम, तो यहाँ तक ही रहे ताकि इससे आगे नहीं जाए। दोनों जगह सेम सेम रहेंगे, इधर के घूम प्लेट भी और इधर की प्लेट भी, दोनों प्लेटें सेम सेम रहेंगी। अब हम पीछे की प्लेटें डालते हैं। इस तरह से लेंगे हम इस तरह से प्लेट और ये एक इधर से लेंगे। हम इस तरह से प्लेटें भरेंगे सलवार में और हमारी बेल्ट में हम इस तरह से कुछ इस तरह से प्लेटें भर रहे हो, आप देख सकते हो इस तरह से। सारी प्लेटें डल चुकी हैं। हेलो गाइस, देखो ये प्लेटें डल चुकी हैं, अब ये यहाँ बेल्ट भी लग चुकी है और अब हमारे पैंचे रहे। पैंचे बनाएंगे अब हम इनको, यहाँ पे जो पैंचे बनाते हैं ना मोहरी, इस पे हम मोहरी बनाएंगे, आपको दिखाएंगे। हम ऐसे इस तरह से इसको टैट्रोन को इस कपड़े में लपेटेंगे इस तरह से। ये हमारा टैट्रोन है, ये हमारा कपड़ा है, यहाँ हमने ऐसा किया और हम इसको मोहरी के लिए कंप्लीट कर रहे हैं। आप हमने इस तरह से सिलाई लगा दी है किस पे, आप देख सकते, आप देखिएगा। अब हम इसको
मोहरी बना रहे हैं। मोहरी में ये हम ऐसे इस तरह से रखेंगे, इस तरह से, और अंदर को फोल्ड कर देंगे। हमने बाहर की साइड रखा है कपड़ा, ये टैट्रोन। दूसरा पैंचा भी हम इसी के साथ साथ ले लेंगे, दूसरी मोहरी, इसको भी ऐसे रख देंगे। इस तरह से इस तरह से रख के हम इसको फोल्ड कर देंगे। अब हम इसको इस तरह से रख करके हमने सिलाई लगाई और इसको हम वैसे फोल्ड कर देंगे। फोल्ड करके इस तरह से हम सिलाई लगा दोनों मोहरी पर। हमने दोनों मोहरी पर सिलाई लगा दी। अब हम इस पर कुछ भी डिजाइन बना सकते हो, आप भी कुछ भी डिजाइन बना सकते हो जो आपको अच्छा लगे। इस तरह से बनेगी हमारी सलवार के मोहरी। Thank you.
ये कंप्लीट हो गई हमारी, और ये मोहरी हमारी।